के प्रायोजक हैं फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह रुपिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क पुणे। रीवा के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत निपनिया में आज मुकुंदपुर से रीवा आ रही बस अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई, जिसकी वजह से 16 लोग घायल हो गए। घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। एक लड़की का पैर टूट गया, एक को हेड इंजरी आई है। बस मुकुंदपुर से रीवा आ रही थी, बस में सवारी पूरी तरीके से भरी हुई थी। लड़की का पैर फंस गया था, जिसको कटर की सहायता से बस को काट कर उसका पैर निकाला गया। फिलहाल सभी घायल रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती हैं। एक को हेड इंजरी हुई है, एक लड़की का पैर टूटा है। मौके पर पुलिस पहुंची, स्थानीय लोगों ने उसके पहले ही रेस्क्यू प्रारंभ कर दिया गया था। तत्काल ही एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई, जिसकी सहायता से सभी घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन भी तुरंत इस मामले में सामने आया और राहत बचाव कार्य किया गया, जिसके चलते कोई गंभीर हादसा नहीं हुआ। घायलों को तत्काल ही मेडिकल सुविधा उपलब्ध करा दी गई। थाना सिटी कोतवाली रीवा क्षेत्र अंतर्गत निपनिया के निकट वाहन MP17P1279 बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बेहतर बात यह रही, इस एक्सीडेंट में एक भी मौत नहीं हुई। अगर ये एक्सीडेंट 200 मीटर आगे होता, जहां घनी बस्ती है, रीवा शहर प्रारंभ होता, तो एक गंभीर हादसा हो सकता था। ये अभी रीवा में निपनिया क्षेत्र है, वहां पर एक बस एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें करीब 16 लोग घायल हुए थे और बस जो है वो पेड़ से जाके टकरा गई थी और उसमें 16 लोग जो घायल हुए, उनमें 13 जो हैं वो संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए हैं। एक बच्ची के पैर में ज़्यादा चोट आई है, उसको फ्रैक्चर हुआ है, बाकी सबकी मामूली चोटें हैं और जो प्रारंभिक इलाज है वो देकर सभी को यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।